तो MIM अपनी जानिब से बिहार के माइनॉरिटीज की तरफ से ये वकालत करती है और मुतालबा करती है कि माइनॉरिटी के दरमियान में से एक आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि नए सरकार में जो इनके घटक दल हैं उसमें सबसे ज्यादा वोट शेयर अगर किसी का है तो माइनॉरिटी का है। और इससे पहले की जो सरकार थी उसमें भी दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ माननीय मुख्यमंत्री सरकार चला चुके हैं। जिन जातियों को प्रॉपर शेयर नहीं मिला है उनको राजनीतिक नुकसान हुआ है, तो कम से कम मुस्लिम माइनॉरिटी में से किसी एक आदमी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनते ही तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी मांग कर दी है। यह मांग आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से बनाने की है। यह मांग AIMIM के इकलौते विधायक अख्तरुल इमाम ने साफ तौर पर कहा है कि अल्पसंख्यक समाज की तरफ से हमारी एक मांग है कि जिस सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, उस सरकार में मैक्सिमम वोट शेयर जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय का है। ऐसे में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से यह मांग है कि एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। उन्होंने कई राज्यों के तर्क भी दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि ऐसे कई राज्य हैं जहां 4, 5 या 2 उप मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले बिहार में भी 2 उप मुख्यमंत्री थे। तो तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी मांग अख्तरुल इमाम ने रखा है और साफ तौर पर कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोग में से किसी एक को उप मुख्यमंत्री और बनाया जाए, क्योंकि जो सरकार बनी है नई सरकार महागठबंधन के बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो उसमें मैक्सिमम वोट शेयर जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय का है। आपको बता दें कि AIMIM के 5 में से 4 विधायक ने पाला बदल दिया, तेजस्वी यादव के साथ आ गए। ओवैसी के 5 विधायक विधानसभा चुनाव में जीते थे लेकिन 4 तेजस्वी यादव के साथ आ गए। एकलौते विधायक अख्तरुल इमाम बच गए, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नई सरकार को बधाई हो लेकिन एक मांग करता हूँ, अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से एक वकालत करता हूँ कि एक अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले किसी एक चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो एक बड़ी मांग तेजस्वी यादव के सामने है। अख्तरुल इमाम ओवैसी के पार्टी के विधायक इकलौते विधायक बचे हैं बिहार में, उन्होंने बड़ी मांग कर दी है। सीमांचल के क्षेत्र से आते हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैक्सिमम वोट शेयर जो है वर्तमान सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय का है, तो ऐसे में उनका भी हक है कि उनकी आवाज़ को कोई मजबूती से उठाए। ऐसे में वो सरकार का अंग होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी आवाज़ जो है वो और बुलंद होगी। नहीं, चाहते ये हैं कि इस वक्त बिहार में जो NDA से टूटकर अलग होने वाली पार्टियों ने अपना अलग गठबंधन बनाया है और जिसके चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जनाब नीतीश कुमार साहब ने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से तेजस्वी साहब ने ओथ ले लिया है और मिनिस्ट्री का एक्सपेंशन होना है, तो MIM अपनी जानिब से बिहार के माइनॉरिटीज़ की तरफ से ये वकालत करती है और मुतालबा करती है कि माइनॉरिटी के दरमियान में से एक आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। चूँकि नए सरकार में जो इनके घटक दल हैं उसमें सबसे ज़्यादा वोट शेयर अगर किसी का है तो माइनॉरिटी का है। और इससे पहले की जो सरकार थी उसमें भी 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ माननीय मुख्यमंत्री सरकार चला चुके हैं। इस वक्त आंध्रा में 5 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी 1 से ज्यादा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। और इस वक्त जाति आधारित राजनीति का जो चलन चला है, गर्चे हम उसके पगजर नहीं हैं लेकिन देखा यह गया है कि जिन जातियों को प्रॉपर शेयर नहीं मिला है उनको राजनीतिक नुकसान हुआ है, तो कम से कम मुस्लिम माइनॉरिटी में से किसी एक आदमी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए।